सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस का ये वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है। 19 सेकंड के टीवी इंटरव्यू का ये वायरल वीडियो देखिए। जिनको टेंडर दे रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर है, 5 साल के लिए उनके गाज से लिख के ले लो। बिल्कुल, वो कंडीशन डाला है उनमें, वो भी कंडीशन। एक जो सीएम साहब ने बताया, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। महाराष्ट्र कांग्रेस ने ये वीडियो शेयर करते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री है। उन्होंने फेसबुक पर भी ये क्लिप शेयर की। वहीं और भी कई यूजर्स ने ये वीडियो ट्विटर और फेसबुक पर पोस्ट किया है। तो क्या वाकई में टीवी इंटरव्यू के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को बोलने नहीं दिया? इस वीडियो की असलियत का पता लगाने के लिए ऑल्ट न्यूज ने इंटरव्यू का पूरा वीडियो देखा। वायरल क्लिप में हो रही बातचीत समझने के लिए आप पहले ये पूरी बातचीत देखिए। मुंबई ये देश की आर्थिक राजधानी है, देश विदेश के लोग यहां पर आते हैं, लेकिन इस शहर की व्यवस्था ऐसी है कि यहां के रास्ते अगर आप ढूंढने जाओगे तो बिना खड्डे का एक भी रास्ता नहीं मिलेगा। तो मैं ये जानना चाहता कि इस खड्डे में कौन सी पार्टी खत्म होंगी और कौन सी पार्टी जिंदा रहेगी। नहीं, इसके आपने जो सवाल पूछा है बहुत ही बराबर सवाल पूछा है, क्योंकि पिछले कई सालों से यह मुंबई के खड्डे जो है लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। आप भी बहुत छापते हो वो खड्डे, 3,000 खड्डे है, फिर 1,000 खड्डे दुरुस्त हो गए, मीडिया भी दिखाती है सब। लेकिन मैं आपको कहूँगा, जब हमारी सरकार बन गई, पहले मैंने क्या काम किया? मैंने कमिश्नर चहल को बुलाया। मैं बोले, भाई कितने किलोमीटर रोड है? बोले 1900 किलोमीटर रोड है। तो बोले, क्यों खड्डे हो रहे? पैसे नहीं क्या? बोले, है पैसे। तो बोले, इसको कॉन्क्रीट के क्यों नहीं करते हो? तो बोले, करते हैं ना हम लोग हर साल 50 किलोमीटर। भाई क्यों? डामर के रास्ते करते हो, हर साल खड्डे होते हैं, फिर रिपेयरिंग होता है। क्या कॉन्ट्रैक्टर लोगों के लिए आप दुरुस्ती का काम करते हो क्या, रिपेयर का काम? तो बोले नहीं। तो मैं बोला, ऐसा करो, अभी आप 500 किलोमीटर के रोड कंक्रीट के ले लो। बोले, कितने पैसे लगेंगे? मैं पूछा। बोले, 5,500 करोड़। बोले, ले सकते है पैसे? बोले, है। तो बोले, ठीक है, 450 किलोमीटर के रोड कॉन्क्रीट के उन्होंने ले लिए, उसके टेंडर प्रोसेस भी शुरू हो गई है। और मैंने कहा, फिर बाकी के रास्ते कब करोगे? बोले, मैं बोला उनको मार्च में आप बचे हुए जो रास्ते हैं, मतलब टोटल 100% उसके भी आप टेंडर निकालो। क्या पैसे नहीं है? बोले, है। तो अभी आपको बताऊंगा, अगले 2 साल में पूरे मुंबई के शहर के रास्ते आपको एक भी खड्डा नहीं दिखेगा, पूरे कॉन्क्रीट के रोड हो जाएंगे, पूरे कॉन्क्रीट के रोड हो जाएंगे। तो ये एक काम करना, जिनको टेंडर दे रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर है, 5 साल के लिए उनके गाज से लिख के ले लो। बिल्कुल, वो कंडीशन डाला है उनमें, वो भी कंडीशन। एक जो सीएम साहब ने बताया, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। यहाँ महानगर पालिका में लोकल कॉन्ट्रैक्टर जो है वो क्वालिफाई होता था, पर L&T और टाटा नहीं होते थे। अभी सीएम साहब ने L&T टाटा जैसों को क्वालिफाई किया। ग्रेट, और अब वो काम करेगा, बड़ी कंपनी काम करेगी, क्वालिटी काम करेगी और समय पे काम करेगी। तो जैसा कि आपने देखा, इंटरव्यू के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब एकनाथ शिंदे ने तकरीबन 2 मिनट तक दिया था। उसके बाद उन्हीं की बातों को दोहराते हुए देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया था। हालांकि पूरे इंटरव्यू में कई बार एकनाथ शिंदे ने सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन पूरे इंटरव्यू से एक छोटा सा हिस्सा उठाकर महाराष्ट्र कांग्रेस ने ये झूठा दावा किया कि देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को जवाब नहीं देने दिया।